हमास से 15 दिनों से जारी जंग के बीच इसराइल की सेना का बड़ा बयान सामने आया है। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि हमारी सेना हमास को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमास और उसके आतंकवादियों को हर हाल में खत्म करना जरूरी है। हमास को जवाब देने के लिए सेना पूरी तरीके से तैयार है। ये इसराइल की सेना की तरफ से बयान सामने आया है और ये भी कहा इसराइली सेना ने कि हमास का खात्मा बेहद जरूरी है। उधर फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और इसराइल में छिड़ी जंग के बीच इसराइल के मंत्री ने दावा किया कि उनकी आर्मी को गाजा में जमीनी कार्रवाई करने की इजाजत मिल चुकी है, क्योंकि 7 अक्टूबर की सुबह हमास के लड़ाकों ने जिस तरह से इसराइल में नरसंहार किया, उसके बाद इसराइल ने भी हमास के खात्मे के लिए पूरी ताकत झोंक दी। उसने साफ कर दिया कि इस बार वो हमास का खात्मा करके ही रुकेगा, जिसकी वजह से वहां भीषण जंग छिड़ गई। और इस बीच इसराइल के मंत्री ने दावा किया कि उनकी आर्मी को गाजा में जमीनी कार्रवाई करने की इजाजत मिल गई, जिसका मतलब साफ है कि ये जंग अभी लंबी चलने वाली है। और यही वजह है कि इसराइल और फिलिस्तीन जंग से तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। इसी कड़ी में दुनिया दो खेमे में बट गई, जिसमें एक इसराइल के साथ तो दूसरा फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। हमास और इसराइल की जंग छिड़ते ही पिक्चर बिल्कुल साफ होती नजर आई, क्योंकि ये साफ होने लगा कि दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी है। एक धड़ा है जो अमेरिका और इसराइल के साथ है, दूसरा धड़ा रूस और चीन के साथ। क्योंकि हमास और इसराइल की जंग पर अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया का भी बयान आया और उसने दावा किया कि हमास के लड़ाकों को हथियार देने में उत्तर कोरिया का हाथ है। उत्तर कोरिया पर पहले भी रूस से हथियारों के लेन देन का आरोप लग चुका है। यही नहीं, उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने तो यूक्रेन से जंग के बीच रूस का दौरा भी कर डाला था, जिस पर अमेरिका भड़क गया था। क्योंकि उत्तर कोरिया अमेरिका के दोस्त दक्षिण कोरिया का दुश्मन है और जापान के आसपास भी मिसाइलें दागता रहता है। यानी रूस के दोस्त ने अमेरिका के दोस्तों की नाक में दम कर रखा और अब तो उत्तर कोरिया का नाम हमास और इसराइल की जंग में भी घसीटा जा रहा है। यानी खेमेबंदी हो चुकी है और जंग का मैदान सज चुका है, जिसमें एक तरफ रूस, चीन और पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश खड़े हैं और दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल जैसे देशों ने मोर्चा संभाल रखा है। इसलिए अमेरिका की कोशिश किसी भी तरह अपने दोस्तों को साधे रखने की है। इसीलिए बाइडेन के दौरे के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गलान से फोन पर बात की और उन्हें सैन्य मदद देते रहने का भरोसा दिया। अमेरिका लगातार इसराइल को अपने घातक हथियार देने में जुटा है और इसके अलावा उसके 3 जंगी जहाज भी भूमध्य सागर में इसराइल की मदद के लिए तैयार हैं। खबर है कि इस बातचीत में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने योआव गलान को यह भरोसा दिया कि जल्द ही इसराइल के लिए खतरनाक हथियारों की बड़ी खेप भेजी जाएगी। उधर इसराइल की सेना ने दावा किया कि उसने चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला के पोस्ट को हवाई हमलों में तबाह कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक के बाद एक कई रॉकेट अटैक होते दिखे। इसके साथ ही इसराइल की सेना ने लेबनान से इसराइल की तरफ किए गए हवाई हमलों को भी नष्ट करने का दावा किया, क्योंकि इसराइल पर इस बार अकेले हमास ने बंदूकें नहीं तानी, बल्कि लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला भी इसराइल के खिलाफ जंग में कूद पड़ा। हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमास के हमले की तारीफ की और इसके तुरंत बाद इसराइल के ठिकानों पर मिसाइल और मोर्टार दाग दिए, जिसके बाद इसराइल ने भी हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह करने की ठान ली और अपनी तोपों का मुंह हिजबुल्ला के ठिकानों की ओर मोड़ दिया, क्योंकि हमास की तरह हिजबुल्ला को भी ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ईरान पर हिजबुल्ला के लड़ाकों को भी हथियार और पैसे मुहैया करवाने का आरोप लगता है।